चैप्टर 5 टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर 15। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करो और जो भी नेसेसरी डेटा है उसको कैलकुलेट भी करते जाओ, मतलब कलेक्ट करते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है, अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप द वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 m³। पंप के थ्रू हमें वाटर टैंक को फिल करना है और वाटर टैंक का वॉल्यूम आपको गिवन है 30 m³। और कितने टाइम के लिए आपको फिल करना है? 15 मिनट। सी, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मीटर में गिवन है, सो वी हैव टू कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड्स होती है, तो हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। एफिशिएंसी ऑफ पंप इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ 30%। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज़ कंज्यूम बाय द पंप? अगर पंप की एफिशिएंसी होती है, लाइक एफिशिएंसी ऑफ पंप, आप देख सकते हो कोई भी मोटर होगी तो उसके ऊपर एक उसका डायमेंशन लिखा होगा, तो लिखा होता है, और एक उसमें एफिशिएंसी भी लिखी होती है। अगर आपने अपने घर में कोई वाटर पंप या मोटर को ऑब्जर्व किया है तो आपको नेम प्लेट मिलेगी, उसमें आपको एफिशिएंसी भी मेंशन करके देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पंप इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, सी बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय द पंप। पंप जब इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करता है तो वो हम किस में कंसिडर करते हैं? इनपुट पावर में कंसिडर कर सकते हैं। और पंप जब पावर को डिलीवर करता है तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? आउटपुट में कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? इनपुट पावर, मतलब पावर कंज्यूम बाय द पंप हमें फाइंड करना है। सो इनपुट पावर इज इक्वल्स टू वॉट? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो आउटपुट पावर हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से 40 m के डिस्टेंस पे वाटर टैंक गिवन है, 40 m के डिस्टेंस पे वाटर टैंक गिवन है, मतलब H इज़ गिवन, ठीक है। G हम ले सकते हैं 9.8 या फिर 10 m/s², जो भी आपको गिवन हो या जो भी आप चाहे हो, उन दोनों में से किसी एक को आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सोचे तो पानी जो है वो 40 m की हाइट पे स्टोर हो रहा है, मतलब हाइट तक जा रहा है, इसका मतलब पावर जो होगा, आउटपुट पावर जो है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ? W इज इक्वल्स टू एम जी एच। मेरे पास जी भी है, मेरे पास एच भी है, लेकिन मेरे पास मास नहीं है, ठीक है। तो मास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास वॉल्यूम तो है। अगर हम डेंसिटी की फॉर्मूला यूज़ करें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू वॉट? मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी किसकी फाइंड करनी है? वाटर की फाइंड करनी है, विच इज 10^3 kg/m³। तो मुझे मास भी मिल जाएगा। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 10^3 1000 होती है डेंसिटी, वाटर डेंसिटी, और वॉल्यूम मुझे 30 दिया हुआ है, सो मास मुझे मिल गया। तो अब ये वाली जो फॉर्मूला होगी, आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू एम जी एच, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे मिल जाएगा आउटपुट पावर। आप चाहे 9.8 भी लिख सकते हो या चाहे आप 10 भी लिख सकते हो। नाउ इनपुट पावर इज इक्वल्स टू वॉट? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई एफिशियंसी, यानी 30 × 10^3 9.8 × 40 डिवाइडेड बाई 30%। 30% को आप कैसे लिख पाओगे? 9.8 × 40 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 100। 10 कैंसिल, तो 0.3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा, 43.6 × 10^3 वॉट, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 43.6 kW। तो ये है इनपुट पावर। दिस इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय द पंप।